देखते हैं हु इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जैक किल्वे, रॉबर्ट नॉइस, बोथ ऑफ अबोव, नन ऑफ अबोव। इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसी का इन्वेंशन जैक किल्बे और रॉबर्ट नॉइस दोनों ने ही मिलकर किया था। तो हमारा सही आंसर है बोथ ऑफ अबोव। 132वां प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर एंड डीबगर्स कम अंडर। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर और डीबगर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज या नन ऑफ द एबोव। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर, डिबगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला प्रश्न है वन कंप्यूटर दैट इज नॉट कंसिडर्ड ए पोर्टेबल इज। वो कंप्यूटर जो कि पोर्टेबल नहीं है, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या ऑल ऑफ द एबोव। तो आपको बता दें मिनी कंप्यूटर पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इनमें से कौन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है? ENIAC, ABC, UNIVAC या EDVAC। इनमें से कौन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है? तो आपको बता दें ABC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है। अगला प्रश्न 135 व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्प्ले फीचर दैट हाइलाइट्स आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर्स ऑपरेटर अटेंशन। उस डिस्प्ले फीचर का क्या नाम है जो हाईलाइट करता है जहां पर ऑपरेटर का अटेंशन चाहिए होता है? पिक्सल, रिवर्स वीडियो, टच स्क्रीन या कर्सर। तो देखो आप, प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट्स एरिया ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर ऑपरेटर अटेंशन। तो हमारा आंसर है बी, रिवर्स वीडियो। अगला प्रश्न है विच इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर। इनमें से कौन लार्जेस्ट कंप्यूटर है? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। इनमें से कौन सबसे बड़ा कंप्यूटर है? तो मेन फ्रेम की साइज इनमें से सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट यूनिट ऑफ डेटा ऑन एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेस्ट यूनिट्स ऑफ डेटा ऑन एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में बेस्ट यूनिट क्या है इस डेटा में से? बिट्स, बाइट्स, हर्ट्ज, क्लॉक साइकल्स। तो सही आंसर है बाइट्स। अगला प्रश्न द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड बाय। पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री किसके द्वारा शुरू की गई थी? IBM, एप्पल, कॉम्पैक या HCL। तो IBM के द्वारा पर्सनल कंप्यूटर की इंडस्ट्री शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है 139वां व्हाट इज मींट बाय ए डेडिकेटेड कंप्यूटर। डेडिकेटेड कंप्यूटर से क्या मतलब है? डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या होता है? हमारे पास ऑप्शन है विच इज यूज्ड बाय वन पर्सन ओनली, जिसको सिर्फ एक आदमी यूज करता है। विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, एक ही टास्क असाइंड होता है। विच यूजेज वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, एक ही तरह का सॉफ्टवेयर यूज होता है। विच इज मींट फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप देखो इसका सही आंसर है बी, एक ही टास्क, एक ही तरह का टास्क डेडिकेटली उसमें होता है, वो डेडिकेटेड कंप्यूटर कहलाता है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में बांटा गया है? ए बेसिक, सॉरी ग्रुप है ये, बेसिक, कोबोल, फोर्टन, प्रोलॉग 2, एक्सपर्ट सिस्टम्स नॉलेज बेस्ड सिस्टम, असेंबली लैंग्वेज, ये इनमें से कौन लो लेवल लैंग्वेज है? तो इसमें से असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है। सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है 141, व्हाट वाज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स? वैक्यूम ट्यूब्स के डिसएडवांटेज क्या थे? दे वेयर लार्जर इन साइज, वो साइज में बड़े थे। दे कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाते थे। दे प्रोड्यूस्ड हीट एंड ऑफ्टन बर्नड आउट, वो हीट प्रोड्यूस करते थे और अक्सर जल जाते थे। द ऑपरेशन कॉस्ट वाज हाई। तो देखो आप, वैक्यूम ट्यूब के साथ डिसएडवांटेज यही थी कि बहुत ही जल्दी वो गर्म हो जाते थे और जल जाते थे। अगला प्रश्न है, रजिस्टर्स विच आर पार्शियली विजिबल टू यूजर एंड यूज टू होल्ड कंडीशन आर नॉन एज। वैसे रजिस्टर्स जो पार्शियली यूजर को दिखते हैं और एक कंडीशनल यूज में आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पीसी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर या फ्लैग। तो इसे हम जनरल पर्पस रजिस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है, विच इज नॉट ए कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन? इनमें से कौन सा कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का नहीं है? ENIAC, UNIVAC, IBM 360, IBM 1401। तो सही आंसर है IBM 1401। रजिस्टर्स विच आर पार्शियली विजिबल टू यूजर एंड यूज टू होल्ड कंडीशनल कोड्स बिट्स सेट्स बाय द CPU हार्डवेयर एज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन आर नॉन एज। क्या कहलाएगा? PC, फ्लैग, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर। तो देखो आप, हमने देखा था 142 में इसी तरह का प्रश्न है। 142 और 144 के इस प्रश्न में अंतर बस इसका है कि बिट्स सेट बाय द CPU हार्डवेयर एज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद जो बिट्स होते हैं वो CPU हार्डवेयर द्वारा सेट किए हुए होते हैं। तो उस केस में वह रजिस्टर क्या कहलाता है? PC, फ्लैग, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या जनरल पर्पस रजिस्टर? तो वह फ्लैग कहलाता है। अगला प्रश्न है, हु इन्वेंटेड वैक्यूम ट्यूब्स? किसने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार करा? जॉन बार्डीन, विलियम सॉकले, ली डे फॉरेस्ट या ऑल ऑफ द एबव? तो सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब ली डे फॉरेस्ट के से इन्वेंट हुआ था। अगला प्रश्न है, एन अप्रोच दैट परमिट्स द कंप्यूटर टू वर्क ऑन सेवरल प्रोग्राम इंस्टीड वन। एक अप्रोच जो कंप्यूटर को कई प्रोग्रामों में काम करने के लिए परमिट करता है, उसको क्या कहते हैं? ऑनलाइन थ्रेशर्स, मल्टी प्रोग्रामिंग, ओवरलैप्ड प्रोसेसिंग या आउटलाइन प्रोसेसर? तो इसे कहते हैं ओवरलैप्ड प्रोसेसिंग। सही आंसर है ओवरलैप्ड प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है, हु सजेस्टेड स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट? किसने सजेस्ट करा स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को? जॉन मैचली, J.P. एकर्ट, जॉन न्यूमैन, जोसेफ जैक्वार्ड। तो सही आंसर है जॉन न्यूमैन ने स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को सजेस्ट करा। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किससे बना होता है? इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक, प्राइमरी स्टोरेज या फिर कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग एंड प्राइमरी स्टोरेज। तो सही आंसर है सी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज। इससे बना होता है। अगला प्रश्न है, The notable feature like keyboard, monitors, GUI were developed in. जो ये खास फीचर है कीबोर्ड, मोनिटर्स और GUI जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यह किस जनरेशन के कंप्यूटर में आया? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में या फोर्थ जनरेशन में? सही है आंसर थर्ड जनरेशन में ये चीज आई। अगला प्रश्न है यूनिवैक इज। यूनिवैक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।